मृत्यु हो गई से
बाकी समरा सुन के ना बदला ले कह के दूसरा जन्म लेके आते ना, तब वो भगवान के घर में जन्म लेके कितना बड़े भाग्य की स्टोरी। जे हा जे भगवान कृष्ण और रुक्मणी माता के गोद में सुंदर बालक जे जन्म है वो प्रद्युम्न ही से नाम होता है। तो भगवान के जे जो साधारण नो है जे वो बेटा जे जन्म लेके आए है से हा वो हा एक अवतारी पुरुष है। ऐसे नहीं कहो तो भगवान जान डाली सो अवतारी पुरुष के जान डाली। और जाने के बाद शिवजी कहने लगे कामदेव को जला कर भस्म कर दिया। वो कामदेव के भाई ही से होगा। कामदेव है वह जे अगले जन्म में भर जे वह बन के आए ही से ना ये है प्रथम हा कामदेव है। कामदेव के धर्म पत्नी ही से रति ये है रति है ये भगवान कृष्ण के जे लेके इस ना ते वो भस्मासुर लव भस्म करके आ रही भस्मासुर भस्म कर दे रही से और भस्मासुर भस्म कर दे रही से उनका बाद ये पति के मिली मिले के बाद खुश हो गए कहते कि यही तो पति है। लेकिन कि जब रति बताते ये काम करने वाली विद्या भाई है विद्या मती है ना तेरा बताइस कि ही तो पति है ते सोच ली कि उनका बाद धीरे धीरे कर बाढ़ी अब बाढ़े एक बात वो लेकर घर के ना वो ना जब जाते कहाँ चल दीस कि द्वारकाधीश के जेल है भगवान हा द्वारकाधीशा एकदम तुरंत बेटा बहु वाला बने तुरंत अब रति है ओकर बहुरी से बहु बन गए अब बहु बन गए उनका बाद उमर कहाँ चल दी कि ये मन है धीरे 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 करते करते लड़का बाढ़ गए और लड़का बाढ़े के बाद समरासुर के वध कर दी और वहां द्वारका धाम चले गए। अब प्रद्युम्न आगे से भगवान 16 वर्ष के में विवाह हो गए और लड़का भी विवाह हो गए और कन्हैया जी का विवाह कर दिया 16 वर्ष से 8 वर्ष के यहाँ और दोनों के विवाह भी कर दिया भगवान ने। अब इस तरह से भगवान बेटा बहु वाला हो गए। मन कहा निकल गए बद्री धाम में निकल गए बद्रिका आश्रम सीधा निकल जाते हैं। अब बद्रिका आश्रम में निकल गए भगवान और ये कौन है ये प्रद्युम्न और रति बाई है। तो मन कहा निकल गए द्वारका में द्वारका से मन कहा चल दी बद्रीनाथ और बद्रीनाथ में वहां निवास करने लगे। तब भगवान हा फिर विवाह करते एक था जे हा एक राजा ही से समराजित नाम के राजा ही से त समराजित राजा हा ओकर बाई ही से और समराजित के ओकर एक भी भाई ही से प्रसेन जी तेकर यहाँ एक हीरा रहा है तो हीरा हा रोज के ओकर पूजा पाठ करे ना तो पूजा पाठ करे तो हीरा हा 2 क्विंटल सोना रोज के दे 2 क्विंटल सोना ओकर पूजा पाठ भी से करे ओकर बाद 2 क्विंटल सोना दे। सब भगवान कराई थी उसने वो सामंतक मणिला पहन के जब आते तो क्या बात बताते कि ये समय राजा कैसे सत्रजीत तेल ते पहन के मत आए कर ये चीज अति बड़ी चीज है कि ये बहुत बड़ी चीज है ये राज की कोष में ते जमा कर देना वो सबसे ठीक है। तब वो कहे कि भगवान मोर बही का मरा थे यानी ये है द्वारकाधीश मोर में हिजगा मरा थे और वो समंतक मणि लवांगा थे मने की गलत कर रहे लखे मोर में यह हिजगा। अब
هو نعم يا مرحبا 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 يا वो तो वहां जंगल में कौन देखेगा जंगल के जानवर इतने मन देखी तोती बात समानता के मणि पहन के गईस मने वो हा ठीक नहीं और समानता के मणि पहन के जब जाते ता एक थर शेर हमरा परी वो शेर सन में लड़ाई होई तो शेर हा इसे मारते ऐसे मारी मारते कि वो हा नैवा कला क्यों मरी के और मरी धर की भागा तो ही शेर है अब शेर और मणि के मारे को खुद जाना तो ही से तब धर के भागा तो ही अब वहां से भालू निकले जामवंत महाराज तो जामवंत महाराज निकलते तो जामवंत महाराज निकलते ना तो जामवंत देखते के समंतक मणि लगे काबा धर के जाते लेकर मार दे है नैवत लेकर मार दे है और लेकर ही हम पड़े हैं तब ये काबा इससे करत होई कि इस उकासन में लड़ाई करते उकासन में लड़ाई करे बात वो समंतक मणि लेके भालू हो शेर का मार दे मर गए शेर है तो शेर है मर गए तो का बात समर्थक मणि लो भालू ले गए भालू जाम मंत्र महाराज ले गए और का बाद कर बेटी दे दी से बेटी के खेल तब राजा ऐसे समाज रखी ये सत्रजी था इसे समाज रखी कि मो बेटा ना मोर भाई ला एक कृष्ण भगवान एक दिन कहे इसे ना भीख हमारी सो ये कर क्या कोई नो ऐसे कह के कलंकित लगा दी अब कलंकित हो गए कलंक लग गए ऊपर ऊपर में अब कहा कहा थे जगह जगह बात ल फैला दी कि नहीं वो है ना जे मारे है ना तो भगवान हा मोर भाई मारे है थे ये है यहाँ के राजा द्वारका भी सर मारे कोई भी फर्क नहीं मारे द्वारका भी सर मारे हैं जगह जगह बात ल फैला दी फैल गए बात है चारों तरफ चारों तरफ फैल गए तब वो राजा के कान है द्वारकाधीश के कान में आवाज आई कोई बता दी गुप्त चरवन कि हे राजा ते हाँ कर समंतक मणि ते हाँ उकर भाई ते मार दे और समंतक मणि ते धरी हस्ता कर मैं का कर हूँ धर कुलत में सिर्फ समझा रहे हैं देखते गरीब आदमी अब तोर एक तोर भाई एक दिन काल मत आए ये बात मैं समझा रहे हैं कि तोर भाई दिन काल बताए और काल ही ते गड़बड़ हो जाए ते तोर मार नहीं कोई जान सही ते कर से अच्छा है ते राज की कोस में ते डाल दे और इतना खर्चा करना है तो वहां से ले जाकर वो खर्चा करेगा इतना भर तो बता रहे हैं कोई गलत तो नहीं बता रहे हैं तब वो बात ना बोल रही मानिस अब एक कलंक लगा दी मोला अब एक कलंक के टीका मोला लग गए मैं इसे काकरो अधर्म नहीं कर रहे हूँ काकरो में ऐसे है नहीं काकरो में हाँ ऐसे पर हित नहीं चाहो मैं हित ही चाहत रहे हो बाकी रहा स्वाद मोर पैसे कलंक लगा दी इसमें बहुत बड़े मोर पर दोषारोपण लग गए तब ऊपर दोषारोपण हो गए मोर बा ऐसे कह के भगवान है कहा थे और मने मन में कहा थे मैं हाँ काकरो राजसभा में गलत नहीं जा सको अति पर मैं राजसभा के मैं राजा आदमी है रो और मैं जाके किसे करूं भाई तब समंतक मणि बा कहते कि बोला लाना है बोला खोज के भाई तो उका बात सत्र जीत लग कहते ते वास्तव तो भाई है तो मणि धर की गेर ही से हाँ गेर ही से तो गेर ही कहाँ गेर ही से जंगल कहीं जाओ जंगल में शिकार के लिए तो कहाँ है कोई पता करे नहीं नहीं कर पाए तो अगर बारे में पता करना चाहिए तो ना अब के दिन बीत गए दो दिन बीत गए चार दिन बीत गए छह दिन बीत गए क
دو هفتہ تین هفتہ کرتے کرت بہت اکن هفتہ بھی تو بھگوان کے من میں منسا بھرم تو لگ رہا ہے تو راجا یہ دوارکا دھیس مارا رہتے ہیں جاتے اور دوارکا دھیس سے تے وہاں پہنچتے اب پہنچے کے بعد وہاں پتہ لگے اب پتہ لگائے بات کرتے جنگل میں جاتے کھوجا 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 ایک ندی کنارے میں ایک ندی کنارے میں ایک یوک کے لاش پڑے گا یہ شریر ہے پڑے رہا ہڈی ڈھانچہ تو ہڈی ڈھانچہ پڑے رہا ہے تو دیکھتے کہ ہڈی ڈھانچہ ہے اور وہاں پہ دیکھتے شیر کی کھوج دیکھی شیر کی کھوج دیکھی تو شیر کی کھوج لا لیتے 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 وہ جاتے تو ایک گفا کی طرف پہنچے تو گفا کے آس پاس دیکھے جام ونت کے کھوج اور شیر کے کھوج وہ بہت اکن گھنا کان ہو رہی ہیں تو کیا بات دیکھتے اوکر ہڈی شیر کے ڈھانچہ پھر پڑے رہا ہڈی ہے ہاں یہ لڑکا سب میں جھگڑا ہوئی تو ہی اور اس کے بعد یہاں آ کے شیر لگ بھی کوئی مارے ہیں تو کیا ڈھانچہ پڑے ہیں وہ ہر دن دیکھ کے جان ڈالتے تو جام ون کے کھوج لکھی آگے دیکھتے تو آگے دیکھتے جام ون کے کھوج لکھی آگے آگے ہو گئے نہیں یہ جام ون کے کھوج ہے طرف جا ہے میں نے ضرور پوچھا کچھ بات اور وہاں پہنچتے دیکھیں جام ون تو یہ ہے وہاں جا کے کتھا جب آگے جا کے دیکھتے تو جام ون تو بیٹھے رہا ہے تب آج جام ہوتا کہ آواز ڈالتے بہت زور سے ہاں کہ زور سے آواز ہے بھگوان کی آگے کتھا میں چھوٹے سے بھجن کے روپ میں سری رام جے رام جے Yeah.
جاي 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 جاي